सो हे गाइस, दिस इज श्रिंकी एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो गाइस, आज मैंने कुछ नया करने की सोची, तो मतलब मैंने जितने सारे किल्स किए थे खुद के उनको एक कलेक्शन बनाया और उसका एक वीडियो बनाया। तो ये देखो, ये चिलगोजा बहुत अच्छे तरीके से मार रहा था, तो फिर हमारे टीम के सारे लोग एक साथ थे, बट हमने सोचा क्यों ना लेट्स ट्राई दैट। एंड ये चिलगोजा निपटते हुए बहुत सही फाइनली ये इसको निपटाया हमने। और यहाँ पे एक चिलगोजा छुप के बैठा था, देखो मैंने काफ़ी दूर से इसको देख लिया था, बिकॉज आई हैव 4/4 आइज। और ये भी निपटेगा, पक्का निपटेगा, निपट गया। और ये आगे बढ़ते हुए हम लोग, ये देखो इसको मैंने पहले ही देख लिया था और इसको मैंने निपटा दिया। इसके बाद जो आया था उसको निपटा नहीं पाए थे और हम भाग गए थे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए एक लोग यहाँ से कूदते फांदते हुए आ रहे होंगे, बड़ी ही कलर है इसमें, लेकिन हम उन्हें जाने नहीं देंगे, डोंट वरी। बहुत सही, ये यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, वहाँ पर खड़े रहिए। अरे रुके 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 रुके, बहुत सही, बहुत उमदा निपट गया वो भी। और एक लोग यहाँ पे छुपे हुए बैठे थे जो अपने आप को स्पाइडरमैन समझ रहे थे, बट ना 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 बच्चा ना, मैंने बोला ना आई हैव 4 आइज। और यहाँ पे इस गेम में हम आ चुके हैं एकदम, बहुत सही, इन मोहतरमा को भी निपटा दिया। और मोहतरमा को निपटाने के बाद पहले निपटते जाने दो, बहुत सही, ये गेम हम जीत चुके गाइस। अभी स्कोर देखना, वो लोग 3 जीत चुके थे और हम सिर्फ 1 जीते थे शायद। हाँ, ये देखो वो लोग 3 जीते थे और हम ये दूसरा, मतलब लगातार इतना हारने के बाद। और इस मैच में मैंने 1 भी किल नहीं की, तो मैंने सिर्फ विनिंग वो दिखाया है आपको कि हम लगातार 3-3 पे आ चुके थे। नाउ फाइनली मैच स्कोरिंग, ये था हमारा फाइनल गेम, देखते हैं कौन जीतता है। और वैसे यार कौन जीतेगा हमारे होते हुए, उनको हमने निपटा डाला। और ये मैच जीतने के बाद सच बता रहे मज़ा आ गई थी, मतलब सच में मज़ा आ गई थी। कहाँ वो लोग 3-1 पे चल रहे थे और कहाँ हम 3-3 से लीड करते हुए आगे पहुँच गए थे। और यहाँ पे एक चिलगोजा मुझे दिखा था जिसे मैंने माने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छुप जा रहा था तो मुझे बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। आज मेरी 4-4 आँखें काम नहीं कर रही थी, तो कोई बात नहीं, अब मुझे वो नहीं दिख रहा था कहीं भी। चिलगोजा बाद, ओहो हमारी टीम का एक मेंबर प्लस पे चल रहा है, किधर है प्लस पे? तो नीचे काफ़ी लोग थे, आई थॉट कि सब बचा लेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बेचारा प्लस में जाके निपट गया। वो देखो उधर प्लस में चल रहा है, ये पहुँच गया, शायद वो बच जाएगा। अरे 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 क्या चल रहा है भाई? ओ सेट, ये दो लोग कहाँ से निपट गए? ओ सेट, तीसरा प्लस में चल गया। अरे 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 ये क्या हुआ, एकदम से कौन सा तूफान आ गया भाई जो तीनों को निपटा दिया? मतलब मेरी टीम के तीनों लोग निपट चुके हैं। अरे यार हम अकेले बचे हैं, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक हैं जा हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बस मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनके टीम के कितने मेंबर मर चुके हैं, बचे हैं, ये नहीं समझ में आता कि कहाँ से देखें, मुझे पता ही नहीं चलता। तो अभी पता नहीं उनकी टीम के कितने लोग बचे हैं, बट कम से कम इनको तो हम निपटा के ही जाएंगे। चलो अब निपटो, और बाकी सब कहाँ हैं, चलो देखते हैं। जब तक हैं जहाँ हम लड़ते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पे। यहाँ पे और लूटा मारी करता है, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो यहीं पे हैं। अरे रुको भाई, रुको भाई, रुको 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 रुको, हमें मार लें दो प्लीज़, मार लें दो, एक सेकंड रुक जाओ। बहुत उमदा, अति उत्तम शॉट खेला हुआ हम लोग ने और इनको निपटा दिया, बहुत सही, मतलब मज़ा आ गई। 1-1 के स्कोर पर बराबरी आते हुए, और फिर ये आया अगला पार्ट, यहाँ पर हम इनको, बहुत सही भाई जाओ, अरे अरे बहुत सही, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। और ये नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड पे हम आ चुके हैं टॉप पे, मेरी टीम मेंबर नीचे हैं, तो मैंने सोचा चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर आने, अरे वो देखो चिलगोजा ऊपर चढ़ रहा है, हम इसे चढ़ने थोड़ी देंगे। रुको भाई, मेरे होते हुए कहाँ तुम ऊपर जा रहे हो? रुको, बहुत सही है चिलगोजा निपटा, और इस चिलगोजे को तुम निपटा के छोड़ेंगे, बहुत सही ये चिलगो। अरे ये क्या है यहाँ पे रेड दिखा? ओ माय गॉड, उनके ऊपर कोई इनका दोस्त यार खड़ा हुआ है। हेलो, बहुत सही, हम दोस्ती यारी नहीं चलने देंगे, और विक्ट्री हम जीत गए। गाइस इस मैच में भी वही हुआ, लगातार वो लोग 3 मैच जीते और हम 1-1 करने के बाद, मतलब 1 के बाद जीते, वो अलग ही मज़ा होता है, सच बता रहे हैं। इतना हारने के बाद, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है, हार के जीतने को बाजीगर कहते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आपने इतना लंबा देख ही लिया है, तो कम से कम लाइक करके जाओ, और जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और हाँ इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। और ये हो चुका है भैया ला, इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, लव यू गाइज, बाय बाय।